चिंता मत कर। और भगवान ने जब बलि को देश निकाला दिया, देवताओं का शासन भारत पर स्थापित किया, तो बलि को इंडोनेशिया भेजा। आपको कभी भी अपने बच्चों को अगर विदेश घुमाने की इच्छा हो तो मेरे कहने से आप एक बार इंडोनेशिया जाइएगा। जहां भी इंड शब्द जुड़ा है वहां भारतीय संस्कृति, जैसे वेस्ट इंडीज, इंडोनेशिया है ना, जैसे इंडिया कहते हैं इस देश को, क्योंकि सिंधु नदी को इंडू कहा गया अंग्रेजी में, लैटिन में इंडस, INDUS इंडस कहा गया सिंधु को। इसलिए जहां भी इंड शब्द जुड़ा मिलेगा वहां भारतीय संस्कृति होगी। तो इंडोनेशिया में बाली द्वीप है, आज भी 97% आबादी हिंदू है वहां की। इतने भक्त लोग हैं, प्रत्येक के दरवाजे पर आपको एक सिंहासन, एक चौकी रखी मिलेगी। आज भी उनको भरोसा है कि भगवान हमारे द्वारपाल हैं, क्योंकि बलि ने वरदान मांगा था कि आप मुझे वहां भेज रहे हैं सुतल द्वीप इंडोनेशिया, मैं वहां 52 दरवाजों का महल बनवाऊंगा, जिस भी दरवाजे में प्रवेश करूंगा या जिससे निकलूंगा आप मेरे चतुर्भुज रूप में, द्वारपाल के रूप में मुझे दर्शन देंगे। इतना श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ है, भगवान को अपना बॉडीगार्ड बना लिया, अब कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता। जिसके बॉडीगार्ड भगवान हो उस पर कौन आक्रमण कर सकता है। आज भी इंडोनेशिया के लोगों को भरोसा है कि भगवान हमारे द्वारपाल हैं। वहां का टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी भी स्टार्ट तब करता है जब टैक्सी के बोनट पर प्रसाद का दोना रखता है, टैक्सी को भी भोग लगाता है। इतनी श्रद्धा, इतने संस्कार आज भी बाली द्वीप में है।